अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं नियंत्रण एवं समन्वय लाइफ प्रोसेसेस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा है, आइए ऐसी ही कुछ प्रक्रियाओं पर विचार करते हैं। खाना निगलते समय हमारी सांस पल भर के लिए रुक जाती है। हमारे शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान आहार नाल के अलग अलग भागों में अलग अलग पदार्थों का स्राव या अवशोषण होता रहता है। कभी कोई वस्तु अचानक आँखों के सामने आने से पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार पौधों की बातें करें तो छुई मुई पौधे की पत्तियाँ छूने से बंद हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सामान्यतः पौधों में रंध्र खुले रहते हैं। ऐसी कई प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। सभी जीवों में प्रक्रियाएं स्वतः चल रही हों या एक प्रक्रिया के चलते रहने से दूसरे का बंद होना हो, सूचनाओं का आवागमन होता रहता है। इनके लिए जीवों के शरीर में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिससे किसी निश्चित समय में क्रियाएं संपन्न होती हैं। आइए इन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। मनुष्य में मुख्य रूप से तंत्रिकाओं और कुछ विशेष रसायन द्वारा सूचनाओं का संचार होता है। 8.1 मनुष्य में सूचनाओं का संचार एवं व्यवस्था। आइए हमारे शरीर में सूचनाओं के संचार के बारे में अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1, लगभग आधा मीटर लंबी स्केल या लकड़ी की छड़ी लें। अब चित्र के अनुसार अपनी उंगलियों को रखें। अपने साथी से कहें कि छड़ी का ऊपरी छोर इस प्रकार पकड़े कि उसका निचला छोर आपकी उंगलियों के बीच रहे, ताकि जब आपका साथी छड़ी को छोड़े तब आप तुरंत पकड़ सकें। अपने साथी को कहें कि छड़ी को छोड़ने से ठीक पहले वह आपको बताए। यह ध्यान रखें कि छड़ी और आपकी उंगलियों के बीच थोड़ा अंतर रहे। अब आपका साथी जैसे ही आपको छड़ी पकड़ने के लिए कहे और उसे छोड़े, आप तुरंत पकड़ने की कोशिश करें। क्या आप छड़ी के निचले छोर को, जो आपकी उंगलियों के बीच था, पकड़ पाए? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको कैसे पता चला कि छड़ी गिरने वाली थी? छड़ी को पकड़ने में शरीर का कौन सा अंग शामिल था? इस अंग के अलावा इस प्रक्रिया में शरीर के और कौन कौन से अंगों की भूमिका रही होगी, सोचकर लिखिए।